एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सैटरडे का है और अभी ना इस वक्त शाम का टाइम है, शाम के लगभग 6 या 6:30 बज गए थे। और आज का ये जो वीडियो है, मैंने थोड़ा देर से स्टार्ट किया था सैटरडे को, शाम से सुबह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से। तो अभी ना थोड़ा सा ठीक लग रहा था और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाला दर्द हो रखा था, इस वजह से मेरा मन ही नहीं किया। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया अपने बालों में और बहुत अच्छे से मसाज की, तब जा कर के अभी मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। तो फिर मैंने सोचा अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी शाम का टाइम है, 6:30 लगभग बज गए होंगे, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 6:30 तक तो वैसे भी अंधेरा हो जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं किचन में आई थी और चाय हमारी हो गई थी। इसके बाद ये थोड़े से सामान जो हस्बैंड लेके आए थे, अभी इसमें था ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम और किशमिश था, जो कि डेली मैं भिगाती हूँ, तो ये ख़त्म हो गया था। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे रखनी थी। और थोड़ा सा ना काली मिर्च भी थी, जो कि आजकल डेली काली मिर्च यूज़ में आ रही है, जिसे मैं चाय में भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा दूध में भी डाल देती हूँ बॉयल करके, और फिर दे देती हूँ सभी को। तो ये सारी चीज़ें मैंने पैकेट से खोल करके और फिर डब्बे में डाल करके रख दी हैं। और फिर अन्या से पूछा कि अन्या आज क्या खाओगी, तो अन्या का ये था कि मुझे ना कुछ अलग खाना है, सब्जी रोटी वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि अन्नी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और उसको भी थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही थी। और सुबह सुबह ना, आज जैसे सैटरडे को आज इन्हें कोई एग्ज़ाम था, तो सुबह सुबह जैसे ही ये लोग स्कूल जाने वाले थे, तो अन्या को फीवर आ गया था उस टाइम पे। और अच्छा हुआ कि दवाई रखी थी मेरे पास, तो फिर मैंने उसको खिला दी थी। और जैसे जाने वाली थी ना स्कूल, सुबह लगभग 6:30 बजे स्कूल जाने से पहले इसको फीवर आ गया था, तो फिर इसी वजह से उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था अभी शाम को। तो कहती है मम्मा मुझे कुछ अलग खाना है। तो यहाँ पे ना मैं बेसन के चीले बना रही थी, और वैसे तो कुछ फ्राइड बनाऊंगी नहीं, फ्राइड अभी कुछ बनेगा भी नहीं इस टाइम पे, पितृपक्ष चल रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने उससे पूछा ये बेसन का चीला खाओगे क्या, तो उसने बोला हाँ ठीक है बना दीजिए, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बेसन को घोल लिया है और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया है। और कुछ जो भी सब्ज़ियाँ थोड़ी बहुत रहती हैं वो मैं बारीक काट करके इस पर डाल देती हूँ। तो अभी मैंने टमाटर और प्याज को बारीक काट लिया है, और मैंने यहाँ पे 1 प्याज और 2 टमाटर लिया था, और सभी को बहुत बारीक काट करके इसमें डाल दिया है। और फिर इसका अच्छे से घोल बना देंगे। और मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाली है, अजवाइन तो बेसन में अगर डाल करके खाते हैं, कुछ भी पकौड़े वगैरह बनाते हैं, तो अजवाइन बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है और फिर इसको घोल बना करके मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए ढक करके। और फिर जैसे ही बेसन फूल गया था, तो फिर मैंने इसके चीले बना लिए। और इस तरीके से इसको थोड़ा सा पतला घोल बनाएंगे और घी डाल करके तवे में, और फिर मैंने इसको बनाया। और अच्छा भी लगता है ना कभी कभी इस तरीके का। वैसे तो मैं बहुत जल्दी नहीं बनाती हूँ, अन्या की डिमांड रहती है अगर ऐसा कुछ खाने की, तभी मैं बनाती हूँ, वरना ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल याद नहीं आती, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है बिल्कुल याद नहीं आती बनाने के लिए। तो अन्या का जो है दिमाग चलता रहता है, मम्मा अभी क्या बनाना है, मतलब आप ये चीज़ बनाइए, उसका सारा चीज़ चलता रहता है उसके दिमाग में, खाने पीने की जो भी चीज़ें होती है ना। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे सबको मैंने दे दिया था और सभी ने खाए गर्मा गर्म, 2-2 चीले, सबका पेट भर गया था। और जो भी अब थोड़े बहुत काम है वो मैं करूँगी। तो किचन के काम ना रात के टाइम पे ये सारे मतलब करने ही होते हैं। और फिर अभी तो वैसे भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पे था ही, तो दूध मैंने पहले रख दिया है पकने के लिए, क्योंकि हल्दी वाला दूध मैं बना रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा 5 मिनट तक मैं इसको पकाती हूँ धीमी आंच में, उसके बाद ही फिर इसको देती हूँ। तो इसमें मैंने काली मिर्च और हल्दी डाल करके छोड़ दिया दूध को, जब तक वो पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर सब्जियाँ धुल करके रख देती हूँ। तो अभी तो मैं यहीं पर रख रही हूँ प्लेटफॉर्म में ये सारी सब्जियाँ, और पानी इसका वैसे निकल जाएगा, प्लेटफॉर्म का एरिया ही अच्छा है कि पानी पूरा नीचे निकल जाता है। तो सारी सब्जियां मैंने जब तक धुल करके रख दी है, दूध बॉयल हो रहा है, और जितने भी रात के छोटे मोटे मेरे काम होते हैं, किचन की साफ़ सफाई और सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रखना, जितना मेरा डेली का होता है वो सारा कुछ मैं कर लेती हूँ। सब्जियाँ धुल करके मैंने रख दी हैं, और यहाँ पर अब ये दूध जो है पक चुका था, 5-6 मिनट हो गया था, तो इसे मैं दे दूँगी सबको। तो ये तो थे रात के सभी छोटे बड़े काम, जो कि किचन के सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, फिर चाहे कुछ भी करना हो रात में ये सारे काम करने ही पड़ते हैं।
तो ये अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन सुबह के टाइम पे, और ये संडे का दिन है, सुबह का टाइम है इस वक्त। अभी लगभग 6:30 बज रहे होंगे और धूप आप देख सकते हैं बहुत तेज़ निकल आई है, क्योंकि आज बादल बिल्कुल भी नहीं है। तो सुबह जैसे ही धूप स्टार्ट होती है ना, बहुत तेज़ वाली निकली थी। और मैं जब उठी ना, मेरे सर में अभी भी दर्द हो ही रहा था, चल रहा था, मतलब ये जो सर दर्द है ना, वो चलता ही रहता है एक दो दिन के लिए, जब भी स्टार्ट होता है 2-3 दिन चलता ही रहता है, और पता नहीं चलता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ये दर्द होता है तो फिर 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। तो अभी भी सर दर्द मेरा कर रहा था, और मैं उठी थी, थोड़ा आराम से ही उठी थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, आज छुट्टी थी सभी की, संडे है, तो बस उठ करके थोड़ा सा मैं किचन में कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने यहाँ पे दूध दिया था सभी को, तो थोड़ा सा गिर गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे गीला कपड़ा मार देती हूँ, तो साफ़ सफाई हो जाएगी किचन की, और थोड़ी बहुत जो चीज़ें इधर उधर रखी थी सबको मैंने सेट कर दिया है। और थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में भी गई, इधर उधर थोड़ा सा बाहर की जो हवा है ना, वो भी मैं लेकर के आई हूँ, और फिर अपने अब सारे काम मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ना देखते देखते समय इतना जल्दी बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। फिर चाहे सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, किसी भी समय अगर थोड़ा सा भी बैठ जाओ तो ये जो टाइम है ना, बहुत जल्दी बीत जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं जल्दी जल्दी से थोड़े बहुत अपने काम भी निपटा लेती हूँ, जो भी साफ़ सफाई वगैरह करनी है घर की, तो जितना भी बेडशीट वगैरह सबको ठीक करेंगे, और हॉल में थोड़ी सी चीज़ें रखी रहती हैं, रात में बच्चे कभी कभी रख देते हैं, और सुबह पानी वगैरह पीते हैं ना, तो यहाँ पे गिलासें भी रखी हुई मिलती हैं, तो फिर इन सबको हटा लेते हैं और झाड़ू लगा करके फटाफट से सबसे पहले पोछा मार लेते हैं। सुबह की साफ़ सफाई है, जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा है। धूप जैसे जैसे तेज़ होती है तो ऐसा लगता है ना कि बहुत लेट हो गया है। और एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँगी कि जैसे जैसे धूप तेज़ होती है ना, सर दर्द भी जब करता है ना, उस टाइम पे सर दर्द भी बहुत तेज़ होता जाता है। तो जैसे जैसे धूप तेज़ होती है, उस टाइम की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से सारे काम मेरे निपट जाएँ, वरना करना तो मुझे ही है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, प्रॉब्लम हो जाती है। सर दर्द ऐसी चीज़ है ना कि फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना तो अच्छे से नींद आती है, और ना तो कोई काम करने का मन करता है, ना तो भूख लगती है, कुछ भी नहीं होता, ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। और दवाई तो मैंने ना वैसे नहीं ली है, दवाई मैं लेती भी नहीं हूँ, पेन किलर्स वगैरह मुझे थोड़ा डर लगता है कि दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए पेन किलर्स, क्योंकि अक्सर मुझे ये दिक्कत होती रहती है, 1-2 दिन ये सर दर्द रहता है, इसके बाद फिर चला जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, इस वजह से मुझे पता है कि 1-2 दिन करेगा और फिर ठीक हो जाएगा, तो मैंने नहीं लिए दवाइयाँ। और फिर ये साफ़ सफ़ाई हो गई थी, फिर मैं आ गई थी वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए, और आज संडे है तो मैं सोच रही थी थोड़ा सफ़ाई कर लूँ, और कहीं भी ना थोड़ा सा अगर गंदगी दिखती है तो बड़ा अजीब सा लगता है, ख़ास करके जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो और भी गुस्सा गुस्सा सा आता है, ऐसा लगता है कि क्यों गंदा है। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी आते जाते जो भी चीज़ें मुझे दिखती गंदी, उसको मैं साफ़ कर लूँगी, और वॉश बेसिन गंदा हो रखा था और टॉयलेट भी गंदा हो रखा था, तो अभी मैं ये सारी साफ़ सफ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ शैम्पू करना है, क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया था बालों में, तो इस वजह से अभी मैं शैम्पू करूँगी। तो हमारे यहाँ पे जब वॉशरूम की सफाई होती है ना, तो फिर शैम्पू करना पड़ता है, बालों को धुलना पड़ता है, तो इसलिए मैं आज ये वाली साफ़ सफ़ाई सब कर लेती हूँ। और यहाँ का मिरर बहुत गंदा था, तो फिर मैंने ये इसको निरमा से ही साफ़ कर दिया है, जो सर्फ एक्सल का पैकेट था ना, तो ये खाली हो गया था, इसमें हल्का हल्का सा जो लगा रहता है, मैं इसको पलट करके और फिर इसी से घिस देती हूँ, तो ये अच्छे से चमक जाएगा, और फिर इस पैकेट को फेंक देंगे, और इसको मैं धो देती हूँ इससे पानी डाल करके, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, और 15-20 दिन में ऐसे इस तरीके से धुल देते हैं ना, तो ये जो मिरर है बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। इसके अलावा फिर मैं बीच में कभी कभी फिर कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन इस तरीके से 15-20 दिन में इसकी धुलाई कर दो तो एकदम से क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है। तो ये तो था छोटी मोटी साफ़ सफ़ाई, और यहाँ पर बस जितनी भी चीज़ें रखी थी ना, जैसे कि हैंड वॉश है और फेस वॉश वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो सबको मैं एक बार अच्छे से धुल देती हूँ, उसके बाद वापस से यहाँ पे रख दूँगी। साफ़ सफ़ाई हो गई है, सारा सामान मैंने सेट कर दिया है, और मुझे नाश्ता भी बनाना है, तो अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे करना था सारा काम। और नाश्ते में आज आलू के पराठे की फरमाइश हुई थी, तो सुबह ही जब मैं किचन साफ़ कर रही थी ना, उस टाइम पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे काट करके, ताकि वो जल्दी बॉईल हो जाए, और जब तक मेरे सारे काम हुए तब तक आलू भी मेरा बॉईल हो गया था। और फिर मैं आई तो ज़्यादा टाइम मेरे पास बचा नहीं था, लगभग 20 मिनट का टाइम था मेरे पास, तो जल्दी से मैंने आलू छील करके और सबसे पहले आलू को फ्राई कर लिया था, लहसुन नहीं, प्याज और हरी मिर्च, जीरा और राई और हींग से तड़का लगा करके, और फिर इसमें मैंने हल्दी नमक मसाले वगैरह डाल दिए थे आलू में।
और फिर इसे 2 मिनट के लिए भून लिया था, मतलब अच्छे से पका लिया था आलू को। और यहाँ पे आलू जो है रेडी हो गया था। और मैं आलू के पराठे ऐसे ही बनाती हूँ, आलू को थोड़ा सा फ्राई करके ऐसे पका लेती हूँ, तो इसके पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे घर में सबको ऐसे ही पसंद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू पराठे बन गए हैं। और चटनी मैंने जो बनाई है ना, इसमें हरा धनिया नहीं है, तो सिंपल टमाटर को मैंने भून करके उसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल करके और चटनी बना ली है। ये थी चटनी और आलू के पराठे। और साथ में ना अभी गर्मा गर्म जलेबियाँ आई थी, तो ये जलेबियाँ भी यहाँ पे है। संडे के दिन अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ना अभी बोल रहे थे मुझे जलेबी खाना है, तो हस्बैंड लेके आए थे गर्मा गर्म। तो ये तो हो गया था नाश्ते का टाइम, और नाश्ता मैंने दे दिया सबको, बच्चे भी उठ गए थे। और जब भी ऐसी तबीयत ख़राब होती है ना, तो चटनी वगैरह खाने का मन करता है ना, तीखा चटपटा थोड़ा सा खट्टा इस टाइप का खाने का मन होता है। तो बच्चों को आज यही खाना था। और बच्चे ना पहले चटनी नहीं खाया करते थे, लेकिन आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं। घर की जो भी मैं चटनी बनाती हूँ ना, बस थोड़ा सा मैं तीखा कम करती हूँ, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, आर और शन्या दोनों। वरना बचपन से लेकर के अभी तक मतलब बच्चे ना केचप में ही खाते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने नोटिस किया है कि ये लोग चटनी भी खा रहे हैं। तो अच्छी बात है, घर में जो चीज़ें हैं वो खाना चाहिए। वैसे भी केचप वगैरह इतना ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को, मैं खुद भी ज़्यादा नहीं देती हूँ और खुद भी यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा चीज़ों में। बट कभी कभी हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम ये चीज़ें डालना मतलब ज़रूरी समझते हैं, और टेस्ट भी आता है। तो बस यहाँ पे नाश्ते का काम हो गया था, और थोड़ा सा मैं रेस्ट करी हूँ, क्योंकि सुबह से ना कंटिन्यू काम करते करते नाश्ता करने के बाद लगभग 15-20 मिनट का रेस्ट फिर मैं करती हूँ। उस टाइम पे मैं अपना फ़ोन वगैरह देख लेती हूँ, और बच्चे अभी टीवी देख रहे थे नाश्ते के टाइम पे, फिर मैंने उनको पढ़ने के लिए बैठाया है। और इनका एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है बच्चों का भी। एक दिन एग्ज़ाम रहता है, एक दिन का गैप रहता है, इस तरीके से भी चल रहा है एग्ज़ाम इनका। तो बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाया मैंने, और साथ ही उनका नहाना धोना वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ टाइम पे मतलब ध्यान देना होता है, सब कुछ टाइम पे हो जाए। तो ये सारे काम हो ही रहे थे, बर्तन भी फिर मैंने साफ़ कर लिए थे नाश्ते के। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा रूम को ठीक करने के लिए। और जब से मैं सुबह उठ करके फिर इधर से जाती हूँ ना, तो इधर आने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। किचन के और बाकी घर के सारे काम इतने सारे हो जाते हैं कि यहाँ पर आने का बिल्कुल भी समय मुझे नहीं मिलता। और बच्चे लास्ट में उठे थे ना, तो सारा कुछ ऐसे ही फैला पड़ा हुआ था। कभी कभी तो अन्या ठीक कर देती है, उसको मैं बोलती हूँ, तो लेकिन उसके मन के ऊपर है, अगर वो खुश रहेगी तो सब ठीक कर देगी। मतलब सारे जो ब्लैंकेट वगैरह रहते हैं तो उनको सभी को खड़ी करके रख देती है, लेकिन अगर उसका मूड ख़राब है, अगर उतना ज़्यादा वो खुश नहीं है ना, तो फिर नहीं करने वाली। तो ऐसे ही चलता है बच्चों का। तो अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, शाम के 6:30 बज गए हैं, अंधेरा भी हो गया था, और मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। और आज संडे को मैं सो गई थी, बाकी दिन तो इतना कंफर्म नहीं रहता, लेकिन छुट्टी के दिन ऐसा होता है कि फिर मैं दोपहर में सो जाती हूँ। और मैं उठी थी थोड़ा लेट से, आँख मेरी लग गई, और मेरे सर में अभी लगभग ठीक है दर्द जो था, क्योंकि ना अभी मैंने बताया ना 2 दिन के लगभग ये ठीक हो जाता है। तो फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो मेरा टाइम है अब बच्चों को पढ़ाने का है, तो आरुष को अंदर हस्बैंड पढ़ा रहे थे, और अन्या को मैं पढ़ाऊँगी यहाँ पे। उसका हिंदी का टेस्ट है, तो मैं उससे थोड़ा सा पूछ रही थी क्वेश्चन वगैरह। हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, लेकिन अन्या का तो फिर भी ठीक है, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लिखने में भी बहुत अच्छा लिखती है, कोई गलती नहीं होती। बस जो चीज़ें हैं ना, उसको थोड़ा सा अपने तरीके से वो बताती है, तो ये भी अच्छी बात है, अपने तरीके से ही सीखना चाहिए चीज़ों को। अगर आप रट करके पढ़ते हो ना, तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो कुछ टाइम के लिए याद रहती है, फिर भूल जाती है। मैं उसको वही यहाँ पे सारी चीज़ें पूछ रही थी, कल इन लोग का एग्ज़ाम है फिर से। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद